नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। जमशेदपुर के बंग भाषी समुदाय के लोगों ने इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को ऐतिहासिक बनाने का निर्णय लिया है। वैसे इस साल सबसे अहम ये होगा कि जमशेदपुर से संचालित हो रहे सभी बंग भाषी सामाजिक संस्थाएं एक मंच पर आकर नेताजी की जयंती को यादगार बनाएंगे। गुरुवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बंग भाषी समुदाय के लोगों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नेताजी की जयंती के पूर्व संध्या पर शहर के बंग भाषियों द्वारा आम बगान स्थित नेताजी की प्रतिमा के समीप 125 दिए जलाए जाएंगे। वहीं 23 जनवरी को नेताजी की जयंती के मौके पर आम बगान में भी झंडोत्तोलन के बाद उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वैसे इस साल कोरोना के प्रभाव को देखते हुए आयोजकों ने अतिथियों से मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रखा है। परसों जो नेताजी जयंती है, हम सब बंगाली कम्युनिटी का एक साथ होके हम लोग नेताजी जयंती मनाएंगे आम बगान मैदान में। इसके लिए हम लोग कल शाम को 7 बजे हम लोग 125 नेताजी का है, हम लोग 125 का दिया जला के हम उसका शुभारंभ करेंगे। 23 तारीख को भी हम लोग शाम को नेताजी आम बगान मैदान में 125 दिया जलाएंगे और 11 बजे से हमारा कार्यक्रम आम बगान मैदान में होगा। इसमें वो जनप्रतिनिधि जितने जमशेदपुर या ईस्ट वेस्ट के जितने हम लोग का प्रतिनिधि आए गवर्नमेंट ऑफिशियल और हम लोग का कुछ गणमान्य व्यक्ति को भी हम लोग उस दिन बुलाए हैं। सब हम लोग उसमें नेताजी जयंती मनाएंगे आम बगान मैदान में। उसमें माल्यार्पण होगा, नेताजी के संबंध में जो अपने अपने विचार विमर्श करेंगे। उसमें लोकल हम लोग MP साहब को भी बुलाए हैं, मंत्री जी को भी बुलाए हैं, हम लोग का जो ईस्ट वेस्ट के जो हम लोग जनप्रतिनिधि है उनको भी हम लोग इन्वाइट किए हैं। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।